जाग जाओ सभी, क्योंकि 100 दिनों से भी कम समय बचा है T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा वो तो बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, सबसे पहले दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि अब स्विंग 10,000 सब्सक्राइबर बेस की फैमिली बन चुका है। ये बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे और आपके लिए। दिल ही बाग बाग सा हो गया यारो। ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा और अगले माइलस्टोन पर भी हंक के पहुंचा जाएगा। चलिए फिर बात कर ली जाए आज के टॉपिक पर। आज हम कुछ वीकनेसेस को पॉइंट आउट करेंगे टॉप 5 T20I टीम्स की, मतलब मस्त एनालिसिस बेस्ड वीडियो होगा, देखना पूरा दोस्तों। अब बताया मैंने कि 100 दिनों से भी कम का समय T20 वर्ल्ड कप के लिए बचा है। ऐसा दूसरी बार होगा जब टूर्नामेंट बैक टू बैक सालों में होगा सिंस 2010। ऑस्ट्रेलियंस डिफेंडिंग चैंपियन है। अरे ठीक है, टीम इंडिया आ रही है बेटा, अब ये इंग्लैंडियों को पटक के आ रही है, लेकिन हाँ होम एडवांटेज थोड़ा तो रहेगा ऑस्ट्रेलियंस के पास। अब बीते कुछ दिनों से सारी टीमें सिर्फ T20 ही मुकाबले खेल रही है, क्योंकि भैया डाउन अंडर जो जाना है, ओवरहॉलिंग ट्यूनिंग सब चेक करके रखना पड़ता है ना मामला। तो सब अपने अपने बंतुल बुकारे लेकर तैयार हैं, लेकिन वीकनेसेस भी हैं, तो हमने सोचा आओ फिर बताई जाए आपको कुछ बातें। चलिए नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करते हैं। अब हाँ, माना कि तुम डिफेंडिंग चैंपियन टीम हो, लेकिन अभी तुम इतने स्ट्रांग भी नहीं हो। गए वो दिन जब पेपर पर ही ऑस्ट्रेलियन टीम का नाम भर सुन लेने से अपोनेंट की हिलने लग जाती थी। सबसे बड़ा कंसर्न तो खुद कप्तान एरॉन फिंच है। 18 महीने, पूरे 18 महीनों से फिंच रूखे हुए से लग रहे हैं, और बताओ सब के सब विराट कोहली के लिए परेशान है। खैर, बंदा आया थोड़ी सी फॉर्म में और श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीते, बट पता नहीं कहां नजरिया गए भैया फिंच कि ये खुशी बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाई बहुत दिनों तक। ODI सीरीज में तो फिंच भाई साहब के बल्ले ने सिर्फ 120 रन्स लगाए। एक मैच का हाल नहीं है ये, लेकिन हाँ 2 गोल्डन डक्स शामिल कर लो इसी 120 रन्स की ODI सीरीज में। यहाँ पर सिर्फ फिंच पर ही पूरी रसीद नहीं कटेगी। स्टीव स्मिथ, जो अपने अनऑर्थोडॉक्स स्टैंड और बैटिंग के लिए बहुत मशहूर है, किसी और चीज़ों के लिए भी बहुत मशहूर थे, लेकिन छोड़ो यार, गड़े मुर्दे क्या ही उखाड़ना। अब अगले ने गलती मान ली है तो हम कौन ही होते हैं बोलने वाले। तो स्मिथ भैया ने लास्ट 8 T20I इनिंग्स में 134 रन ही मात्र बनाए हैं, और सब के सब विराट कोहली के लिए परेशान है। अरे हवा तो यह है कि नंबर 4 और 5 पर भौका ना कर पाने की वजह से स्मिथ ड्रॉप भी हो सकते हैं और न्यू बी टिम डेविड को चांस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी देखना होगा कि क्या स्मिथ जितने भौकाली प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड कर सकती है ड्रॉप करने का इतने क्रूशल टूर्नामेंट के पहले। अब ये देखना होगा, आप अपनी राय मुझे बताना ठीक है। बॉलर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ अच्छी बात है कि जॉश हेजलवुड, जिनका बलवा टेस्ट में बहुत था, उन्होंने अपने आप को T20 फॉर्मेट बॉलर में बढ़िया से एडजस्ट किया है, या फिर मैं कहूँ ट्रांसफॉर्म किया है, ये अच्छा शब्द होगा। शब्द से भी मामला कितना सही सा बन जाता है ना। लेकिन हाँ, सेम बात आप पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क के लिए नहीं कह सकते हैं। अब हाँ एक बात है, दोनों पेस फैक्ट्री पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में बढ़िया है, लेकिन डेथ ओवर्स में जहां पर असली गेम शुरू होता है, वहां पर दोनों भाइयों ने 10 रन्स पर ओवर की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। समझ रहे हो, लुटाए हैं। कब से? 2021 के बाद से। और तो और उनके बैकअप ऑप्शंस जाए और केन रिचर्डसन का भी कुछ ऐसा ही हाले बयान है डेथ ओवर्स में। अब स्टार्क का सबको पता है एक गेम ही काफी है इनके लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इनका फॉर्म रीडिस्कवर करना होगा, नहीं तो सीन में नेथन एलिस को लाया जा सकता है। मामला बहुत टाइट है यहाँ। कैसा लगे पॉइंट्स? कमेंट भर के बताना, अभी तो शुरुआत है। चलो चलते हैं नंबर 4 की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ। अब जो हाल ऑस्ट्रेलिया का वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू में है, वही हाल इधर कप्तानी में टेम्बा भाई साहब का भी है। साउथ अफ्रीकन टीम मस्त ट्रांजिशन वाले फेज में आ चुकी थी, थोड़ा सा प्रेशर तो कम हो गया इन पर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की तरह कंसर्न यहाँ पर भी बवुमा पर बहुत ज़्यादा है, बताता हूँ क्यों। अब बवुमा भाई कभी भी इतने बड़े झन्नाटेदार T20 प्लेयर रहे नहीं है। फिंच का क्या है, फॉर्म की डिस्कवरी जहाँ पर हो जाएगी तो मैच जिता के जाता है अगला बंदा, लेकिन टेम्बा बवुमा भैया के नाम सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है पिछले 24 इनिंग्स में, और स्ट्राइक रेट है इनका 120.6 का।
अब बताओ, अब एक और चीज है, बवुमा अभी फिंच जितना बड़ा रोला नहीं दिखा पाए, हो सकता है इनको कप्तानी से भी रिप्लेस कर दिया जाए। अब साउथ अफ्रीकन टीम खेलेगी 5 T20I मैचेस की सीरीज आयरलैंड और इंग्लैंड के विरुद्ध। बवुमा भाई इंजर्ड है और अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल रही है हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर की, तो यही दोनों ना हो जाए कंटेंडर्स कैप्टेंसी के, लेट्स वेट एंड वॉच। तो बॉलिंग यूनिट की यहां पर बात कर ले तो यहां पर स्थिति ठीक है क्योंकि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि एनरिक नोकिया का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और लय में भी कहीं और ही घूम रहे हैं, लेकिन ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा। भाई 6 महीने के आसपास की वेकेशन से वापस आए हैं, थोड़े पैर तो रुकते से है ना दोस्तों, हो सकता है होते होते फॉर्म आ जाए। अब चांस तो अच्छा है चोकस का दाग धुलने का क्योंकि टीम बढ़िया सी लग रही है। अब आओ बात करते हैं नंबर 3 पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंसेस तो इम्प्रूव करना चाहेगी, लेकिन चाह जाने मात्र से कुछ हो जाता तो मैं पता नहीं क्या बन जाता। इनके पास 2 क्वालिटी ओपनर्स हैं, एक बाबर आजम और दूसरा मोहम्मद रिजवान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, याद आया कुछ? लेकिन भैया इनके अलावा तो मैंने बहुत धारदार बल्लेबाज नहीं सुने जो कंसिस्टेंट हो। इनके बाद बैटिंग लाइनअप को पता नहीं कौन सी सुस्ती सी चढ़ जाती है। हाँ, PSL में अधिकतरों ने परफॉर्मेंसेज अच्छी की है, लेकिन वो चीज इंटरनेशनल अरीना में आके ट्रांसलेट कभी भी नहीं हुई है। PSL वाला अगर क्राइटेरिया होता तो बेचारे अपने ईशान किशन IPL में परफॉर्मेंस के चलते तो निपटा ही दिए जाते। पाकिस्तान में बाकी बैट्समैन को भी 25 से ऊपर एवरेज नहीं करके दिया है किसी ने T20I में। ये स्टैट्स है, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। इफ्तकार अहमद खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ हैदर अली, लेकिन उनका एवरेज 13.83 का है 2 सालों में। मैं मानता हूं स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करते किसी की भी एबिलिटी को, लेकिन ये हो सकता है कि शादाब खान को आप प्रमोट कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा अंडर यूटिलाइज किया है। अब आप बॉलिंग पे, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी, शादाब खान और हारिस राउफ की बॉलिंग फॉर्म बहुत बढ़िया है, एक बढ़िया अटैक बनता है यहाँ पर। वैसे भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हमेशा से धारदार रही है, लेकिन बाकी के 8 ओवर्स चिंता तो वहां पर है बाबू भैया, बहुत बड़ी चिंता है। हसन अली, शहनवाज दहानी और इमाद वसीम, तीनों की टेंडेंसी रही है रन्स को नलके की तरह लीक करने की। छठा बॉलर इनके पास है नहीं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल के सेटअप में। खुशदिल शाह, वाह क्या नाम है ना, इन्होंने मात्र 2 ओवर्स फेंके हैं T20Is में। अब बताओ, दिक्कत तो इनके साथ है ही, और हमने पॉइंट आउट करी क्या भैया, बॉयज प्लेड वेल होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा मामला। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इंग्लैंड की तरफ। ऑयन मॉर्गन रिटायर हुए और जॉस बटलर आ गए सीन में कप्तान बनकर। अब चाहेंगे तो ये कि ट्रॉफी जीत ले, चाह तो सभी रहे हैं, चाहने से थोड़ी ना कुछ होता है। एक बात तो यह है, यह आसान बिल्कुल होने वाला नहीं है मामला। टॉप ऑर्डर इंग्लैंडियों का बुरी तरीके से गया हुआ है, वो अभी हम रिसेंटली देख भी चुके हैं। जेसन रॉय भयानक स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉनी भैया के भी लगे ही हैं, बेन के स्टोक्स उतना चल के दे नहीं पा रहे। वैसे हाँ, बेन स्टोक्स ने ODI फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। थैंक यू फॉर सर्विंग दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट बेन स्टोक्स। हाँ, तो बेन के स्टोक्स मिडल ऑर्डर में विफल हो रहे हैं, अब ये हो सकता है कि इनको नंबर 3 पर खिलाया जाए, डेविड मलान को ड्रॉप किया जाए और हैरी ब्रुक को चांस दिया जाए कि इन्हें नंबर 6 पर एडजस्ट कहीं ना कहीं पर कर दिया जाए। मलान का फॉर्म भी कंसर्न है, 77 रन्स की पारी को अगर आप हटा दो तो उन्होंने जो भारत के खिलाफ खेली थी तीसरे T20I में, तो फॉर्म इनका गया हुआ है पूरी ही तरीके से। अब परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेगी तभी मामला बन के देगा। बॉलिंग में इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को लॉन्ग प्रोन इंजरी से काफी डेंट लगा है, कह सकते हैं कि बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का कमजोर सा हुआ है। अब कितनी जल्दी ये रिटर्न करेंगे और फिट होंगे ये कंसर्न होगा और सवाल बहुत बड़ा होगा भाई साहब। लेकिन क्रिस जॉर्डन, रिचर्ड ग्लीसन और रीस टॉपली ने दिखा दिया कि दम तो है भैया इन लोगों के अंदर, तो यहाँ पर तो मार्क्स देने होंगे। लेकिन आर्चर और वुड प्लस ये बैकअप, तब तो टीम झाम फाड़ हो जाएगी और हॉट फेवरेट्स हो जाएंगे भाई साहब। लेकिन बैटिंग में घुसराइट का बोर्ड वाला मामला चल रहा है। अब आओ फिर नंबर 1 पर बात कर ली जाए अपनी टीम इंडिया की। यहाँ भी तो बात होगी, वरना सब बोलेंगे टीम इंडिया पे तो स्विंग बोलता ही कुछ नहीं है, ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता है।
200 स्ट्रेंथ से ज्यादा हमें अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए, तभी तो स्कोप होता है पटक के मारने का। तो देखो 9 सालों का लंबा इंतजार बहुत होता है आईसीसी की ट्रॉफी लिफ्ट ना कर पाने का। आजकल पेशेंस छूट सा गया है लोगों का। अब क्वालिटी तो आप जान ही रहे हो क्या है टीम इंडिया के पास, लेकिन वीकनेसेस भी हैं। अरे बिल्कुल हैं। आईपीएल से लेकर इंग्लैंड तक रोहित शर्मा और विराट कोहली का बैटिंग कंसर्न बहुत बड़ा रहा है। रोहित ने तो पिकअप कर लिया, लेकिन विराट ऑफ स्टंप लाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सा कर रहे हैं। अब दोनों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है पेस बॉलिंग को खेलने का, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम आएगा। अब एक मेजर कंसर्न आ रहा है टॉप ऑर्डर में। अब हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि मिडिल ऑर्डर आपको संभाल के मैच बना के दे दे, तो वहां पर रॉक सॉलिड शुरुआत चाहिए आपको। ईशान किशन को आप एडजस्ट कैसे करोगे विराट के आने के बाद, पॉइंट तो बहुत बड़ा है क्योंकि आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है जो हॉक के रन्स लगाता है पावर प्ले में। अब दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के बीच तगड़ी फाइट होगी। अब डीके तो फिनिशर वाला स्लॉट लेकर जाएंगे। कैपेबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है मार्केट में, और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर नंबर 4 वाला स्लॉट बुक करा देंगे। ऋषभ पंत के लिए यहाँ पर मुश्किल होगा। मुझे पता है क्या लग रहा है बीते कुछ दिनों से, टीम इंडिया बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है। टू मच एक्सपेरिमेंट भी चीजें बहुत उलझा सा देता है। नो डाउट हेल्दी कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, लेकिन टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन सेट होते होते ही होता ही रहता है। अब लेफ्ट हैंड बैटिंग ऑप्शन को भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना। अगर पंत नहीं जाते हैं, केएल राहुल आ जाएंगे तब तक, तो आप रोहित या राहुल या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल रोहित या किशन, फिर मिडिल ऑर्डर में आप राहुल को शफल करोगे। बाप रे बाप, कंफ्यूजन ये बहुत ज़्यादा है। और हाल फिलहाल तो लग रहा है प्रॉब्लम बैटिंग ही है, वो भी टॉप ऑर्डर की। बॉलिंग अटैक अपना झाम फाड़ बन के दे दिया है, स्पेशली पांड्या के आने से बॉलिंग यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट सी दिख रही है। इंडिया की बॉलिंग अब टॉक ऑफ द टाउन बन रही है। 6 बॉलिंग ऑप्शंस है कंप्लीट हमारे पास। किसी भी टीम के लिए एनी डे ये ऑप्शन होना सोना है बॉस, सोना। तो दोस्तों ये थी कुछ वीकनेसेस की बातें, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर हॉक के दबाना दोस्तों। एनालिसिस कैसी है वो कमेंट पर बताना जरूर, मतलब बाढ़ ले आना कमेंट बॉक्स पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यारो, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, तभी तो पता चलता रहेगा नोटिफिकेशन से कि हमारी वीडियो आ गई है मार्केट में। फिर सुविधा अनुसार वीडियो देखना, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात कह दी मैंने।